नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आप देख रहे हैं हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में लगभग प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा पाया जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं तुलसी का पौधा वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग इसका जो घर में स्थान होना चाहिए, यदि ये उस स्थान के विपरीत आप इसको लगा देते हैं, गलत दिशा में आप इसको लगा देते हैं, तो ये बहुत सी परेशानियों को आमंत्रित कर सकता है। आपके जीवन में दरिद्रता, दुख, आर्थिक तंगी, घर के अंदर निरंतर बीमारियों को आमंत्रित कर सकता है। जो वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग जो स्थान इसका निर्धारित है, इसके विपरीत आप इसको अपने घर के अंदर लगा देते हैं, तो आप सावधान हो जाएं। यदि घर में आपके तुलसी का पौधा है तो इसका शास्त्र सम्मत सही डायरेक्शन, सही दिशा कौन सी होगी जहां पर तुलसी का पौधा लगाने से आपको अद्भुत लाभ होते हैं, ठीक इसके विपरीत एक ऐसी दिशा जहां पर यदि आप तुलसी के पौधे को लगा देते हैं तो ये दुख, परेशानी, समस्याएं और बीमारियां आपके जीवन में लेकर के आता है। तो चलिए प्रिय दर्शकों, इसका सही डायरेक्शन दिशा बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि पहले बार आप ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल को देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल को, तो आप अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जीवन से जुड़ी हुई बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। तो देखिए प्रिय दर्शकों, ऐसा है, तुलसी का पौधा जो होता है इसे हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंतर्गत मां लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। बड़ी से बड़ी कोई भी नकारात्मकता, कोई भी नेगेटिविटी हो, उसको समाप्त करने में सक्षम होता है। इसलिए कहा जाता है कि एक तरीके से डॉक्टर का कार्य करता है घर में तुलसी का पौधा रखना। किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया हो, किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी हो, किसी भी प्रकार की कोई गलत एनर्जी जो व्यक्ति को शारीरिक मानसिक रूप से परेशान करती हो, इस प्रकार की नकारात्मकता को भी जिस घर के अंदर तुलसी का पौधा होगा ये नेगेटिविटी हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। लेकिन इसका सही जो डायरेक्शन होगा वो पूर्व उत्तर दिशा का ही होता है, ध्यान दीजिएगा। या तो आपको पूर्व दिशा में लगाना चाहिए या फिर उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, या पूर्व या उत्तर के बीच में जो ईशान कोण होगा वहां पर आपको तुलसी का पौधा लगाना चाहिए, तभी जाकर के ये जो तुलसी के पौधे के गुण होते हैं ये अपना पूर्ण प्रभाव आपके ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर दिखा पाता है। यदि आपने पूर्व उत्तर या ईशान कोण में, पूर्व और उत्तर के बीच में यदि तुलसी के पौधे को लगाया है तो आपके जीवन के लिए, घर परिवार के लिए समृद्धि, शांति और सुख देने वाला साबित होता है तुलसी का पौधा। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि आप तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा में लगा देते हैं और खास करके दक्षिण पश्चिम के बीच का कोण जो राहु की दिशा होती है, यदि आप नैऋत्य कोण में लगा देते हैं तो यह भयानक अशुभ परिणाम भी देता है। आपके घर के अंदर निरंतर बीमारियों के रूप में इसकी नेगेटिविटी जन्म लेती है। लगातार आर्थिक तंगी, घर के अंदर शारीरिक मानसिक रूप से कष्टकारी स्थितियां बनेगी यदि आप दक्षिण पश्चिम के बीच के कोण, नैऋत्य कोण में आप तुलसी का पौधा लगा देते हैं। खास करके दक्षिण पश्चिम में कदापि नहीं लगाना चाहिए। यदि आपने अपने घर में दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन के अंदर तुलसी का पौधा लगाया हुआ है तो आप उसको जितना जल्दी हो सके जल्दी से जल्दी हटा देना है। इसके अलावा छत पर कभी भी तुलसी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। कोशिश करें यदि आप नीचे, जहां पर आप एक ऐसा स्थान देख लीजिए, आप पूर्व या उत्तर या खास करके ईशान कोण में, जहां पर किसी भी तरीके की गंदगी ना हो, चप्पल जूते आप उस दिशा में बिल्कुल भी ना उतारें, खास करके जिस डायरेक्शन में आपने तुलसी का पौधा लगाया हुआ है। तो प्रिय दर्शकों, आप समझ गए होंगे, पूर्व या उत्तर दिशा या पूर्व उत्तर के बीच में ही लगाना है, दक्षिण पश्चिम के बीच में तो कदापि किसी भी प्रकार से नहीं लगाना चाहिए। यह बहुत बड़ी अशुभता आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, आप मेरे को यहां पर संपर्क कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।